हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि है थंबनेल देख के आप लोग जान ही गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करते जाइए होते जाइएगा, और बगल में जो है बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ आप तक जो है पहुँच पाए। तो सबसे पहले जो है, महिलाएँ जब गर्भवती होती हैं, कंसीव करती हैं, तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्वेरीज हो जाती हैं कि क्या उन्होंने क्या कंसीव किया है। और ये जानना कोई गलत नहीं है, क्योंकि जब भी हम कंसीव करते हैं तो हमारे मन में ये चलता ही रहता है कि हमने क्या कंसीव किया है, बेबी गर्ल है हमारे पेट में या बेबी बॉय है। इसमें जो है, यहाँ पर मैं लिंग का भेदभाव नहीं कर रही हूँ, मैं लिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। लिंग के बारे में जो है हम लोग नहीं जान सकते हैं कि हमने जो है बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को कंसीव किया है। लेकिन कुछ कुछ जो है अनुमान है, जो हमारे दादी नानी बताती हैं, जो हमारे आस पड़ोस के लोग बताते हैं, और ख़ुद भी जो है मैंने अपने ऊपर जो है आजमाया है, मैंने जो अपने ऊपर जो है रियलिटी है वो चीज़ को जानते हुए, अपने ऊपर जो समझते हुए मैं जो आप लोगों से बता रही हूँ। तो चलिए जो है, ऐसी क्या जो चार चीज़ें हैं जिसे हम लोग जान के ये अनुमान लगा सकते हैं जो हमने बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो है, एक्टिव रहना। जब भी हम बेबी बॉय को कंसीव करते हैं उस समय जो है हमारा शरीर जो है बहुत ही एक्टिव हो जाता है, और वहीं जहां हम लोग बेबी गर्ल को कंसीव करते हैं उस समय हमारे शरीर में बहुत ही आलस हो जाता है, बहुत ही आलस भरा लगता है, बिल्कुल भी हमारे शरीर में एनर्जी नहीं मिलती है कि हम लोग जो है कोई वर्क कर सके या कोई काम कर सके। लेकिन वहीं जो है बेबी बॉय को कंसीव करने पर शरीर में जो है बहुत ही एक्टिवनेस लगता है। 3 मंथ तक तो बिल्कुल भी शरीर जो है आपका जो है बॉडी है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि उस समय हमारे बहुत से वॉमिटिंग्स होते हैं, बहुत मॉर्निंग सिकनेस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जैसे ही पाँच मंथ लगने लगता है उस समय जो हमारा शरीर ठीक हो जाता है, उस समय जो है एक्टिवनेस लगने लगती है। मेरे टाइम में भी यही हुआ था, मुझे 3 मंथ जो है बिल्कुल भी वीकनेस देखने लगती थी, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जैसे ही 3 मंथ क्रॉस हो गए, जैसे ही ये उल्टी होना बंद हो गया, 4 मंथ के बाद जो है मुझे बहुत ही एक्टिवनेस लगने लगा, और उस समय जो है मैं अपने सारे काम कर लेती थी और बहुत ही मुझे एक्टिव लगता था, वॉक भी करती थी, काम भी करती थी, वही बहुत ही अच्छा फील होता था उस टाइम में। दूसरा जो है, फेस में ग्लो आना। अक्सर ये देखा गया है कि बेबी बॉय कंसीव करने पे जो है फेस में, हेयर में बहुत ही ग्लो आ जाता है, हेयर जो है बहुत ही अच्छा ग्रोथ होने लगता है और फेस में जो है ग्लो आ जाता है। और वही लड़की के टाइम में जो है उसमें जो है पिगमेंटेशन आ जाते हैं, जो हमारे जो फेस है वो बहुत ही डल हो जाता है। तो क्या इसमें क्या रीज़न है? तो हाँ, इस टाइम में जो है मेरे पेट में जब मैं बेबी बॉय को जब मैंने कंसीव किया था तो उस टाइम जो है मेरा फेस भी जो है ग्लो करने लगा था, और जो है बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं थे, हेयर जो है बिल्कुल स्मूथ हो गए थे, बहुत ही अच्छे हो गए थे, और बहुत ही जल्दी जल्दी जो है हेयर के जो है ग्रोथ हो रहे थे। तो ये जो है दूसरा लक्षण जो है, यहाँ जो है हमारे फेस जो है वो ग्लो होने लगता है, हेयर जो है बहुत ही स्मूथ चमकदार जो है और बहुत ही घने, और उसमें बहुत समय जो है ग्रोथ होने लगता है, क्योंकि जो मेरे पहले के जो हेयर थे वो बहुत ही पतले झड़ते थे उस टाइम में। लेकिन जैसे ही मैंने प्रेग्नेंट हुई और जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया उस समय जो मेरे हेयर जो है बहुत ही अच्छे होने लगे थे। तीसरा जो लक्षण है वह जो है उल्टी। तो अक्सर देखा जाता है उल्टी जो है बेबी बॉय को कंसीव करने पे जो है कम होती है और बेबी गर्ल को कंसीव करने पर ज़्यादा होती है। तो ये जो है बेबी बॉय कंसीव करने पे जो है उल्टी जो है थोड़ी कम होती है, और वहीं बेबी गर्ल को कंसीव करने पे हमें उल्टी बहुत ही होती है। जो हमारा जो स्मेल का सेंस है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है जब हम बेबी गर्ल को कंसीव करते हैं। जब भी हमें कुछ स्मेल लगता है हमें उल्टी आने लगती है, जब भी खाने की स्मेल से भी उल्टी लगती है और किसी भी चीज़ के स्मेल से जो है उल्टी लगती है। वहीं जो है बेबी बॉय को कंसीव करने के बाद से जो है ये उतनी जो है स्मेल सेंस तो रहती है, बट उल्टी उतनी नहीं आती है। उसके बाद जो है चौथा जो लक्षण है वो है बहुत सारे चीज़ें खाने की कार्विंग होना। अक्सर जो है बेबी गर्ल को कंसीव करने पे जो है मीठा खाने का अधिक मन करता है, और बेबी बॉय को कंसीव करने पर जो है वो कहा गया है कि जो है
जैसे ही हम लोग जो है बेबी बॉय को कंसीव करते हैं, हमें जो है खट्टा खाने का मन करता है, और जब हम बेबी गर्ल को कंसीव करते हैं उस समय जो है मीठा खाने का मन करता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है। जब मैंने जो है बेबी बॉय को कंसीव किया था तो उस समय जो है हमें मीठा खाने का बहुत ही मन करता था, खट्टा भी खाने का मन करता था और मीठा भी खाने का मन करता था। तो मेरे टाइम में जो है ये उल्टा हुआ था, क्योंकि जो है मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था और मुझे जो है खट्टा और मीठा दोनों ही खाने का बहुत अधिक मन होता था। तो बस ये एक अनुमान है जिसे हम लोग लगा के जान सकते हैं कि हमने जो है बेबी गर्ल को कंसीव किया है या बेबी बॉय को कंसीव किया है। क्योंकि जब भी गर्भवती या महिलाएँ होती हैं उन्हें जानने की उत्सुकता बहुत ही हो जाती है कि हमने क्या कंसीव किया है, और इसके बारे में जानना कोई भी खराबी नहीं है। यहाँ लिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा है कि हमने बेबी बॉय को कंसीव किया या बेबी गर्ल को कंसीव किया, दोनों ही बहुत ही ज़रूरी हैं हमारे लिए, बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो। तो बस ये जो है दादी नानी के समय की बातें हैं, और ये जो है मैंने अपने ऊपर भी जो है इसे जो है आजमाया है, अनुमान लगाया है, इसके बाद जो है आप लोगों के साथ मैं इसे शेयर कर रही हूँ। तो ये जो है वीडियो ये आप लोगों के लिए, आप लोगों की उत्सुकता को जो है बताने की उत्सुकता को जो है थोड़ा शांत करने के लिए और आप लोगों को जो है थोड़ा बताने के लिए ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए लाई हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।